लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की। ये अहम है क्योंकि साल 2019 में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद ने सीट पर जीत दर्ज की थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था, जहां मायावती का जनाधार खत्म हो रहा है और चंद्रशेखर एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। क्या आने वाले समय में मायावती को पूरी तरह से खत्म कर देंगे चंद्रशेखर रावत? भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश ने सभी को चौंका दिया है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा चौंका दिया, वो सीट है नगीना। लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह चौथे नंबर पर रहे, जिन्हें महज 13,000 वोट मिले हैं। ये अहम है क्योंकि साल 2019 में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था। इस जीत के बाद यहां पर चंद्रशेखर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं नगीना की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आखिरी क्षण तक लोगों की सेवा करूंगा जिन्होंने वोट दिया है। उन सब से और दलित मुस्लिम समाज से कहूंगा कि उन्होंने जो मुझ पर कर्ज चढ़ाया है जीवन के आखिरी क्षण तक चुकाऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 साल के चंद्रशेखर की इस जीत के कई मायने हैं, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के लिए, जो इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। मायावती का राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होना और चंद्रशेखर की जीत में उन्हें यह मौका दिया है कि पूरे भारत में अपना संगठन मजबूत करें। चंद्रशेखर के पास ये सुनहरा मौका है, परिस्थितियां उन्हें अनुकूल है, उनका स्वास्थ्य और उम्र साथ है। उत्तर भारत की दलित राजनीति में चंद्रशेखर एक युवा चेहरा है, वो सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं करते और संघर्ष के दौरान जेल भी गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की बेहट तहसील के चंद्रशेखर ने साल 2012 में हेवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। चुनावी हलफनामे में उनका नाम चंद्रशेखर है, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद से चर्चित हैं। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ घर बार संभालती है। साल 2015 की बात है जब भीम आर्मी नाम का संगठन बना, चंद्रशेखर चर्चा में आ गए। भीम आर्मी का दावा है उसका मकसद जाति आधारित हमले और दंगों के खिलाफ आवाज उठाना और दलित बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। साल 2015 से ही देश के अलग अलग हिस्सों से दलित उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ आवाज उठाने में भीम आर्मी सक्रिय रही। 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद हैं। ये पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, सम्राट अशोक आदि को अपना आदर्श मानती है। पार्टी के मुताबिक पार्टी का मकसद देश के साधन संसाधन उद्योग व्यापार के साथ सरकारी प्राइवेट नौकरियों में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी तीनों को ही निशाना बनाते हुए लिखा गया है, अगर पार्टी को आप जानेंगे तो, कि ऐसे समय में जब हाथ निरंतर कीचड़ पैदा कर कमल को खिलाने का मौका दे रहा हो, हमारे समाज में बहुत सारे नेता भाई भतीजावाद हो, उम्र के पड़ाव में माया बचाने को समझौतावादी होकर मनुवादी की कठपुतली बन गए हो। चंद्रशेखर की पार्टी आसपा ने अपने उम्मीदवार छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खड़े किए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ कहते हैं कि पार्टी ने यूपी में भी 4 जगह उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हमें सिर्फ जीत सिर्फ नगीना सीट पर मिली है। चंद्रशेखर को लोगों ने संसद भेजा है, हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और आगे आने वाले चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार किसी की भी बने, जनता के अधिकार को हम सरकार के जबड़े से छीन कर लाएंगे। अगर किसी गरीब पर कोई जुल्म करेगा, जैसे मॉब लिंचिंग पहले होती थी, घोड़ी पर बैठने, मूंछ रखने पर हत्या होती थी, अगर कहीं जुर्म होगा तो सरकार को चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा। सरकार कुछ भी करे लेकिन इंसान की हत्या को रोके, जाति और धर्म के आधार पर न्याय नहीं होने देगा, होगा तो चंद्रशेखर आजाद से टकराना होगा, ये बात सब लोग जान ले। चंद्रशेखर को यूपी में एक दलित युवा नेता के उभार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दलित चिंतक स्तंभकार और काशीराम के दो चेहरे सहित कई पुस्तकों के लेखक कमल भारती की राय अलग है। वो कहते हैं कि चंद्रशेखर दलित राजनीति का नया चेहरा तो बनेंगे, लेकिन उन्हें अभी बहुत उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास दलित मुक्ति का कोई विजन है नहीं। वो तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन निजीकरण, उदारीकरण से लेकर दलितों को हिंदुत्व फोल्ड से बाहर निकाले जाने के लिए उनके पास कोई विचारधारा है नहीं। आपको बता दें कि जातियों की आत्मकथा पुस्तक के लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर की संगठनात्मक क्षमता पर
हम सवाल उठाते हैं। नगीना में अल्पसंख्यकों और दलितों की आबादी अच्छी है। बीएसपी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ती है। इन हालात में चंद्रशेखर जीते हैं, वो आक्रामक तो हैं लेकिन उन्हें अपनी संगठनात्मक क्षमता पर काम करना होगा, मुझसे ज्यादा विवेक से काम लेना होगा। वो कहते हैं जिस तरह बिहार की पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव की जीत हुई उसी तरह से नगीना में चंद्रशेखर की जीत देखना चाहिए, इससे दलितों की राजनीति पर बहुत असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंची मायावती क्या अब अप्रासंगिक हो गई हैं? ये भी बहुत सवाल है। कई विशेषज्ञ बीते कुछ चुनावों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के बाद यही सवाल उठा रहे हैं। 1984 में बनी बीएसपी का वोट बैंक अनुसूचित जाति के लोग रहे हैं। बीएसपी कई राज्यों की चुनावी राजनीति में सक्रिय है लेकिन पार्टी का व्यापक आधार उत्तर प्रदेश ही रहा है। मायावती ने चुनाव परिणाम के बाद कहा, दलित वोटों में मेरी खुद की जाति के ज्यादातर लोगों ने वोट बीएसपी को देकर अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई, उनका मैं आभार करती हूँ। साथ ही मुस्लिम समाज जिनको कई चुनाव में उचित पार्टी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है वो बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा, ऐसे में पार्टी उनको सोच समझकर ही मौका देगी ताकि भविष्य में इसका भयंकर नुकसान ना हो। मायावती के इस बयान को देखें तो उन्होंने चंद्रशेखर के आभार पर कोई टिप्पणी नहीं की, वहीं उन्होंने अपनी जाति के कोर वोटर को धन्यवाद दिया, मुस्लिम के प्रति नाराजगी जाहिर की। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटव समुदाय से आते हैं। दलित चिंतक कमली भारती कहती हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़े अति पिछड़े दलित मायावती के वोटर रहे हैं लेकिन बीएसपी अपनी जमीन और विश्वास दोनों खो चुकी है। मायावती अब बीजेपी की तरफ से खेल रही है और वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा इसलिए करती है ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हार सके। वो दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद और आरक्षण के सवाल पर चुप रहती है। आंकड़ों में देखें तो बीएसपी का वोट बैंक बिखरता जा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीट पर जीत हासिल की थी। वही 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 12.88% हो गया था और पार्टी महज एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत और घट गया है जो घटकर 9 रह गया और पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। इस तरह मध्य प्रदेश में भी पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो यहां भी इस तरह की तस्वीर नजर आई है। पंजाब में भी इस तरह की तस्वीर नजर आई है। आपको बता दें कि मायावती का जनाधार लगातार खत्म होता जा रहा है। बीएसपी का समय अब भी नहीं गया है। अभी 9% उनका कोर वोटर है लेकिन बीएसपी को दिल बड़ा करके गैर जाटव लोगों को सम्मान देना होगा। मायावती 2007 में जब यूपी की सत्ता में आई थी तो उनके साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, जाटव, गैर जाटव सब थे लेकिन उनके करीबी रहे सतीश मिश्रा का। जैसे जैसे पार्टी में नीतिगत मसलों और ढांचे में प्रभाव बढ़ा तो एक एक करके पार्टी के जाटव गैर जाटव नेताओं ने किनारा कर लिया। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक थे। इसलिए 2012 के बाद वो सत्ता में कभी वापस नहीं लौटे। यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 25% है। इसका मुख्यतः विभाजन जाटव और गैर जाटव समुदाय में किया जाता है। यूपी में जाटव कुल अनुसूचित जाति का तकरीबन 54% है और गैर जाटव में पासी, धोबी, खटीक, धानुक आते हैं जो 46% है। यूपी विधानसभा में 46 सीट आरक्षित है जिसमें 84 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है। साफ तौर पर यह बहुत बड़ी संख्या बल है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। इसी दलित वोट बैंक के सहारे मायावती प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। चंद्रशेखर ने भीमामी बनाने के बाद बीएसपी को अपनी पार्टी बताया लेकिन बाद में साल 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। चंद्रशेखर ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा लेकिन उसमें उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। चंद्रशेखर विधानसभा चुनाव में तो कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन उन्होंने सड़क पर अपनी लड़ाई को जारी रखा। इधर मायावती ने भी अपनी पार्टी में युवा नेतृत्व के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उम्मीदवार उत्तराधिकारी बनाया था। आकाश आनंद नगीना में चुनावी सभा करते हुए चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा लेकिन माना जाता है कि एक चुनाव सभा में आकाश आनंद की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले से मायावती नाराज हो गई। बाद में उन्होंने आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया। अब सवाल यह है कि जहां मायावती का जनाधार खत्म हो रहा है और चंद्रशेखर एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, क्या आने वाले समय में मायावती को पूरी तरह से खत्म कर देंगे चंद्रशेखर रावण? आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।